नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com को लगातार आपकी मदद की जरूरत है। एक ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता मुश्किल है, सच कहना और भी मुश्किल काम है, तो ऐसे में आपको हमारे मदद करनी होगी, पत्रकारिता की मदद करनी होगी। आपको इतना करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं, हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं, हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। और एक चीज और आपसे मैं कहूंगा कि सत्य हिंदी का अब मोबाइल ऐप आ गया है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ही आपको एक और लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करने पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो सत्य हिंदी के लिए बड़ी मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका और हम उम्मीद करेंगे आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब बातचीत शुरू करते हैं। 2020 एक ऐसा साल जो मुझे लगता है कि हर कोई भुला देना चाहता होगा, न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में। दुनिया के हर कोने में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो 2020 को याद रखना चाहता होगा। लेकिन अजीब विडंबना है कि 2020 आने वाले सालों में शायद सबसे ज्यादा याद किया जाएगा, सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। ये क्यों है? इसलिए क्योंकि 2020 के पहले कभी दुनिया ने इतने बड़े लेवल पे महामारी नहीं देखी थी। एक महामारी जिसके बारे में लोगों ने किस्सों कहानियों में सुना था, जब वो आपके सामने खड़ी हो जाए और आपको इंसान को इंसान से मिलने से डर लगने लगे, पति को पत्नी से मिलने में डर लगने लगे, माता पिता को अपने बेटों और अपने बच्चों से मिलने में डर लगने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोविड का रोग लेकर आ गया है और इसकी वजह से जान को खतरा हो सकता है। और ऐसा मैंने पहली बार देखा, महीनों देखा, कि जब सड़कें पूरी तरीके से सुनसान थी, वो सड़कें जिस पर लंबे लंबे जाम लगा करते थे। ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये महामारी क्यों और कैसे फैली? इस महामारी की वजह से जो इंसानी रिश्ते थे वो कैसे और किस तरीके से बदल गए? समाज में क्या कुछ नया बदलाव इसकी वजह से हुआ है? आर्थिक व्यवस्था क्या पूरी तरीके से चौपट हो गई है? क्या तकनीक ने, टेक्नोलॉजी ने एक नया रास्ता दिखाया है? और क्या इस महामारी के पीछे आड़ में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूरी तरीके से सुन्न हो गई हैं? जो तानाशाह है वो मजबूत हो गए हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप जानना चाहेंगे कि दरअसल 2020 इतिहास में कैसे, किन संदर्भों में और कैसे याद किया जाएगा, और 2021 कैसा होगा, किस तरीके से होगा। लोगों को 2020 का दुस्वप्न याद आता रहेगा या एक नया सपना हमारे आपके सामने खड़ा हो जाएगा, इन्हीं मसलों पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जाने माने प्रबुद्ध, बुद्धिमान और बुद्धिजीवी पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हम लगातार अक्सर बातचीत करते रहते हैं और चीजों को जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो एक छोटा सा सवाल ये कि 2020 को आप कैसे याद करेंगे? एक दुस्वप्न की तरीके से जो पूरा हो गया, या एक ऐसा काल जो लगातार आपको तकलीफ देता रहेगा? देखिए, 2020 आपने जैसा कहा कि कोई नहीं चाहेगा कि उसे याद रखे, लेकिन हर एक आदमी याद रखेगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि याद रखना चाहिए। क्योंकि आमतौर से जो चलन है कि नए साल का स्वागत, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन मैं 2021 को लेकर के भी कोई बहुत आशान्वित नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि 2021 बेहतर साबित हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। हमें तैयार रहना होगा 2020 जैसा, ना सही किसी और रूप में सही, लेकिन आने वाला वक्त कठिन वक्त होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है जी। जहां तक सवाल 2020 का है और आपने कोरोना और कोविड की बात की आशुतोष, मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, इमैनुएल वाल्स्टाइन, जो बहुत जाने माने सोशल साइंटिस्ट और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी थे, उन्होंने 21वीं सदी शुरू होने के साल भर पहले एक किताब लिखी। 1999 में वो किताब छपी है और उस किताब का नाम ही बड़ा मानिक है जो रोचक है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। ये उस किताब का नाम है जी, द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। और उस किताब में वाल्स्टाइन लिखते हैं कि जो वर्तमान वर्ल्ड सिस्टम है, वर्तमान विश्व व्यवस्था है जी, ये 50 साल से ज्यादा नहीं चलने वाली है। जाहिर है कि वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और आने वाला वक्त कैसा होगा, इसके बाद के आने वाला सिस्टम कैसा होगा, ये कहना असंभव है। इसलिए छोटे छोटे ह्यूमन जेस्चर का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए हमें हर काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
वॉलस्टाइन ने कल्पना की थी 50 साल में इस विश्व व्यवस्था की सीमाओं के, इसकी विपदाओं के सामने आने की। संयोग से वो 19 साल के भीतर भीतर हो गया। वॉलस्टाइन तो 20-50 साल की बात कर रहे थे, हमने वो स्थिति 19-20 साल के उसमें देख ली। जी। कैसे देख ली? आपने जैसा कहा, ये पहली महामारी थी जैसे दुनिया भर के लोगों ने महसूस किया स्पेनिश फ्लुएंजा के बाद, जो लगभग 100 साल पहले लोगों ने 1918 के आसपास, उसके बाद ये पहली महामारी थी जिसको दुनिया भर ने महसूस किया, थी नहीं बल्कि है। और ये ध्यान दीजिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कोरोना की कि ये 1918 के बाद पहली महामारी थी जिसने फर्स्ट वर्ल्ड को प्रभावित किया। वरना सच ये है कि इससे कहीं ज्यादा घातक, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक महामारी एबोला थी या है जी, जो दो दिन के अंदर अंदर आदमी को मार डालती है। उसका दुनिया ने नोटिस तक नहीं लिया क्योंकि वह अफ्रीका में फैली थी जी, अफ्रीका में लोग मरते रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हालत ये हो गई कि क्राउन प्रिंस ऑफ इंग्लैंड को हो गया कोविड, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे वो आईसीयू में पहुंच गए जी, और कनाडा के प्रधानमंत्री की पत्नी बीमार पड़ गई, और चलते चलते कोरोना जो है वो अपने दस्तखत ट्रंप साहब पर भी कर ही गया। तो ये इसमें हुआ क्या आशुतोष, दुनिया भर के लोगों को ये रियलाइज करना पड़ा, कुछ देशों को छोड़कर जी, अमेरिका जैसे ताकतवर देश के लोगों को रियलाइज करना पड़ा कि कोरोना उतना खतरनाक नहीं है जितना के आपके पब्लिक हेल्थ सिस्टम का लगभग गायब हो जाना जी। यानी अमेरिका से लेकर के भारत तक सच्चाई ये है कि आपका हेल्थ सिस्टम इस तरह की चीजों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं था। आपके पास इतने बिस्तर नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए बिस्तर नहीं है, और हमारे यहाँ प्राइवेट अस्पतालों ने जिस तरह की लूट मचाई उसको लेकर के जी, तो वो बात कि वर्ल्ड सिस्टम, जिस वर्ल्ड सिस्टम में हर चीज को एक कमोडिटी में तब्दील कर दिया गया है जी, हेल्थ भी अब आपका राइट नहीं रहा, वो एक कमोडिटी है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से खरीदनी है। सरकार अधिक से अधिक ये मदद करेगी आपकी कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ दे देगी। हमारे यहाँ जो आयुष्मान स्कीम चली है उसका सार तत्व यही है। तो ये जो स्थिति है आशुतोष जी, मुझे लगता है कि चूंकि सिस्टम ने अपने ढंग से इससे सीखा, आपने देखा कि डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्टेल करने के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया गया जी, तरह तरह के आंदोलनों का दमन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। लोगों ने कितना सीखा है सिस्टम के लेवल जी, यानी कितने आंदोलन अब इस बात को लेकर खड़े होंगे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम चाहिए। अब तो मैं मानूंगा कि सबक सीखा गया, वरना मानना होगा कि कोई सबक नहीं सीखा गया। पुरुषोत्तम जी, आपने जो बात कही कि दुनिया जिस तरीके से है उस तरीके से दुनिया खत्म हो जाएगी, जो आपने वॉलस्टाइन का जिक्र किया और आपने कहा 50 साल में ऐसा हो जाएगा, तो एक तो आपने हेल्थ सिस्टम के बारे में बातचीत किया। मैं हेल्थ सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आ जाइए यस प्लीज यस, मैं मेरा सवाल ये है कि जो मौजूदा व्यवस्था है, जो मौजूदा तंत्र है, और वो सिर्फ भारत के स्तर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पे, क्या उस तंत्र में आप बदलाव की उम्मीद देख रहे हैं, या उस तंत्र के बदलाव कि जो बेचैनी है कि ये बदलना चाहिए, उसका नतीजा आपने पिछले एक साल के अंदर देखा, जहां आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, इंसानी रिश्ते पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, महामारी सामने आ गई, वो बेचैनी क्यों और कैसे और किस लिए? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि असल में कोरोना एक बहाना बन गया इस व्यवस्था की विडंबनाएं उजागर करने का जी, इस व्यवस्था की सीमाएं उजागर करने का। बात केवल अर्थव्यवस्था की नहीं है, मैंने आपसे ये भी साथ ही में कहा कि डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन को खत्म करने के लिए, उसको दबाने के लिए इसका खूब जमकर इस्तेमाल किया गया। यानी अपने देश में देखें तो एक तरफ आप पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, पब्लिक रैलीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को कर्फ्यू लगा करके और जानवर की तरह ट्रीट करते हुए सड़कों से भगा रहे हैं। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि 4 घंटे के नोटिस पर आप लॉकडाउन करेंगे तो कितनी अफरा तफरी मचेगी। लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, 1,500 किलोमीटर तक लोग पैदल जा रहे हैं, और एक लड़की 1,500 किलोमीटर तक साइकिल चला रही है, तो इन लोगों को शर्म तक नहीं आती कि उस पर तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको वर्ल्ड साइकिलिस्ट फेडरेशन में भेजना चाहिए। ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि व्यवस्था की सीमाएं दिखी हैं साफ साफ, बल्कि सीमा एक बड़ा
सॉफ्ट वर्ड है, व्यवस्था की क्रूरता देखी, क्रुएलिटी देखी, इससे लोग सीखा कितना है लोगों ने, और आगे क्या होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इससे सही सबक लें और सचमुच एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लड़े। ये बेचैनी लोगों में है आशुतोष, जैसे आपने अभी कहा ना, और जो ह्यूमन रिलेशंस की विडंबना है कि पति पत्नी बाप बेटी इनके बीच में एक दूरी और एक तरह का डर, वो बेचैनी तो लोगों में है, लेकिन उस बेचैनी से निकलने के रास्ते का कोई सेंस है क्या? या उस बेचैनी से निकलने का रास्ता बताने वाला कोई सिस्टम, कोई विचार, कोई नेता है क्या? दिस स्टिल इज अ ओपन क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरा सवाल यह कि इतिहास में देखा गया है कि जो व्यवस्था 1945 के पहले की थी, यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले की जो व्यवस्था थी, जहां पे राष्ट्रवाद बहुत ज्वार मार रहा था, राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ाने की एक होड़ लगी हुई थी, उसके बाद दुनिया ने एक सबक सीखा, और सबक सीखने के बाद उन्होंने तय किया कि भाई इस नेशनलिज्म के नाम पे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे तबाही आती है। 70 साल तक अगर आप देखें, 70-75 साल तक वो स्थिति ठीक ठाक तरीके से चलती हुई दिखाई पड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि एक फिर बुनियादी बदलाव की कसक आ गई है, यानी जो पुराना सिस्टम था उस पुराने सिस्टम से लोगों के अंदर एक आ रहा कि भाई अब इससे काम नहीं चलेगा, कुछ नया होना चाहिए, वो नया क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा सवाल आपसे है। नहीं, मुझे नया होता हुआ यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेचैनी तो है, बेचैनी तो जाहिर तौर से है, लेकिन उससे उस बेचैनी को कार्यान्वित करने का, उस बेचैनी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, इस पर कोई स्पष्टता हो ऐसा नहीं लगता। मैं इस मामले में 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये बहुत साफ तौर से समझ लेने की है, लोगों को समझनी है, मैं नहीं जानता कि कितनी दूर तक समझी गई है या नहीं समझी गई है, कि ये जो बीच में एक फैशन चला था, एक दौर चला था उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से, जिसमें हर चीज जो है वो ग्रैंड नैरेटिव जिसमें सबसे बड़ा खलनायक बन गया था, जिसमें मान लिया गया था कि समाज का हर तबका अपनी लड़ाई लड़ेगा, हर सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी सैक्रोसेंक्ट है, पवित्र है, उसको नहीं छुआ जा सकता, तो हिंदू हिंदू के तौर पर, मुसलमान मुसलमान के तौर पर, और तमाम ईसाई वगैरह, स्त्रियां अपनी लड़ाई अलग लड़ेंगी, ब्लैक्स अपनी लड़ाई अलग लड़ेंगे, दलित। इस पूरी संकट ने एक सबक तो आपको दिया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सीवियर लिमिटेशन है। आप जो 1945 के बाद की दुनिया की चर्चा कर रहे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए आज तो उसके 1991 में कुछ हुआ जिससे 1945 के बाद की दुनिया में भी बुनियादी परिवर्तन आए। सोवियत संघ का विघटन हो गया, नतीजा ये निकला कि अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर रह गया। वो बात की बात है कि चीन उसमें आ रहा है, रूस फिर से रिवाइव हो रहा है, भारत सुपर पावर बनने के लिए छटपट आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल निर्विवाद सुपर पावर दुनिया की अमेरिका है। और इसका जो नतीजा निकला है कि अमेरिका पर किसी तरह का कोई चेक बैलेंस बाकी नहीं। मैं इस समय इसमें नहीं जा रहा कि सोवियत संघ अच्छा सिस्टम था या बुरा सिस्टम था, वो एक अलग दीगर बहस है, लेकिन सोवियत संघ के होते ये संभव नहीं था कि अमेरिका यूएनओ में मनमानी कर ले। 1991 के बाद ये हुआ, संभव हुआ। अब 30 बरस हो गए इस बात को भी। दिक्कत ये हुई है कि नेशनलिज्म, जो आपने कहा कि नेशनलिज्म बीच में कमजोर पड़ता देखा, आप तो नेशनलिज्म एक बार फिर से दिख रहा है, और उसमें भी ज्यादा एग्रेसिव किस्म का और ज्यादा एथनिक किस्म का। आज नेशनलिज्म का मतलब हो गया है, एक तरफ वो आप देखते हैं पैन इस्लामिज्म, जिसके नेता के तौर पर एक तरफ तुर्की और एक तरफ ईरान वो उभर रहे हैं, और पैन इस्लामिज्म को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के सामने चुनौती के तौर पर, बल्कि खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो स्थितियां हैं वो बहुत ही ऑप्रेसिव नेशनलिज्म के तौर पर हम देख सकते हैं, जिसका एक रूप खुद यूएसए में दिखा, वाइट सुप्रीमेसी, जिसके विरोध में, खैर वो अपने आप में आप जानते ही हैं, रूस में, यानी दुनिया भर में आप देखेंगे कि नेशनलिज्म के साथ साथ एक जो खतरनाक ट्रेंड डेवलप हुआ है, जो नेशनलिज्म से कई गुना अधिक खतरनाक है, वो यह है कि अथॉरिटेरियनिज्म को अभूतपूर्व वैलिडिटी मिली, और डेमोक्रेसी जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म का एक बहाना बन गई है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, इस समय जो नेता अथॉरिटेरियन नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो मनमानी करने के लिए विख्यात है, उनमें से संभवतः कोई भी कोट अनकोट अनइलेक्टेड डिक्टेटर नहीं, चाहे वो तुर्की के हो, चाहे वो ब्राजील के हो, चाहे वो अपने देश में हो,
चाहे वो यूएसए में ट्रंप साहब रहे हो, ये सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनकर आएंगे जी, यानी एक अथॉरिटेरियनिज्म विद अ डेमोक्रेटिक वैलिडिटी, मैं इसको सबसे खतरनाक स्थिति मानता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक चीज अगर मैं आपकी बातों से थोड़ा सा निष्कर्ष निकालूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र दरअसल फेल होता जा रहा है और लोकतंत्र के माध्यम से उस प्रक्रिया से एक अधिनायकवादी या तानाशाही प्रवृत्तियां उभर के सामने आ रही है। लेकिन अगर आप अमेरिका का उदाहरण लेकर 2016 से 2020 का इतिहास अगर कोई अमेरिका का लिखेगा तो वो कहेगा कि अमेरिका के अंदर एक निहायत ही मूर्ख जाहिल और तानाशाह पैदा हो गया जिसने सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया। लेकिन जब चुनाव होता है तो उस चुनाव के बाद एक ऐसा शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है जिसको बहुत कमजोर कैंडिडेट माना जाता है और उसने राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद ठीक 180 डिग्री का की उलट अमेरिका को दिखाया, जहां पे तमाम एथनिक जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जो कुछ ट्रंप ने किया उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके का आशा भी जताता है कि नहीं सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जो बहुलतावाद की बात, सॉरी आशा आशा तो ठीक है, आखिरकार उम्मीद पर आकाश टिका है, उम्मीद पर आसमान टिका है, वो बात सही है। लेकिन यही जिस बात की ओर मैं संकेत कर रहा हूँ वो खतरा आपकी बात में झलक रहा है। हम लोग आदि होते चले जा रहे हैं हर चीज को आइडेंटिटी के टर्म्स में देखने के। बाइडेन साहब थोड़ा बहुत एक प्लूरलिज्म मल्टी कल्चरलिज्म की तरफ रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन जो फंडामेंटल इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनका ओरिएंटेशन कहाँ जा रहा है। बाइडेन ने अपने प्लेटफॉर्म में बर्नी सैंडर्स जिन दो चीजों पर लगातार जोर देते रहे हैं कि एजुकेशन को, आप तो जानते हैं कि अमेरिका में हायर एजुकेशन बहुत महंगी है और हायर एजुकेशन बिना स्टूडेंट लोन के संभव नहीं है और स्टूडेंट लोन का अपना एक रैकेट है जी, लोन सार्क वो लोग होते हैं और उस पर पॉपुलर कल्चर में उपन्यास और फिल्म लिखे तैयार किए गई हैं कि किस तरह से उस लोन के साइकिल में स्टूडेंट जीवन भर पिसे रहते हैं। उस पर कोई ध्यान बाइडेन के प्लेटफॉर्म में नहीं दिया गया। पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी जो नवीनतम विवाद वहां चला वो ये कि जो सपोर्ट सिस्टम के तौर पर $2,000 दें या $600 दें। तो इन सब चीजों पर देखिए, आपको मेरा कहना यह है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर चीज को इकोनॉमिक्स में रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सच है कि किसी भी सिस्टम में इकोनॉमिक्स और जो मटेरियल बेसिस है उसका रोल निर्णायक होता है। आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, आपका जो समाज की जो 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 फंडामेंटल्स हैं उनके प्रति आपका क्या रवैया है। अब ट्रंप जो है उनको तो आपने हटा दिया, हालांकि उनको बहुत अच्छे वोट मिले, ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप बहुत बुरी तरह आ रहे हैं, अच्छे खासे वोट लेकर ट्रंप हारे हैं वो, और वो तो मानने को तैयार भी नहीं है कि वो हारे हैं, लेकिन बहरहाल वो अच्छे खासे वोट लेके हारे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि 2024 में ट्रंप फिर से नहीं आ जाएंगे या उनसे भी ज्यादा आक्रामक और विचित्र प्रकार का व्यक्ति नहीं आ जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि व्यक्तियों के बदल जाने को सिस्टमिक चेंज का प्रमाण मत मानो। ठीक है, सिस्टमिक चेंज कहीं दिखना चाहिए। मैंने आपसे एक बार जब मैं यूएसए में था, हम लोगों ने बात की थी ब्लैक लाइफ मैटर्स के प्रसंग में, मैंने कॉर्नेल वेस्ट को कोट किया था, ब्लैक फेसेस इन हाई प्लेसेस की स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी। कॉर्नेल वेस्ट स्वयं ब्लैक है और संभवतः हार्वर्ड में या कहां प्रोफेसर है और बहुत जानी मानी आवाज माने जाते हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन की, और उन्होंने बात साफ कही थी उस समय कि ये जो हम समझ रहे थे कि ओबामा के राष्ट्रपति बनने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो वो बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तब खुश होऊंगा जबकि बाइडेन एजुकेशन को अवेलेबल करें अमेरिकन नागरिकों के लिए, स्वास्थ्य को अवेलेबल कराएं, और ये बात बाइडेन से लेकर के मोदी तक और मोदी से लेकर बोरिस जॉनसन तक लागू होती है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी के साथ अथॉरिटेरियन लीडरशिप डेवलप हुई है, इसका विकल्प हम तब मानेंगे जबकि नीतियों में कोई बुनियादी फर्क दिखे। उसके लिए हमें अमेरिका के प्रसंग में फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। मैं अमेरिका के साथ साथ भारत की तरफ में आता हूँ कि भारत में पिछले एक साल के अंदर ये अगर आप देखें तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर हुई हैं। आप लव जिहाद का अगर एक उदाहरण ले लें तो अब सरकार ये भी तय करेगी कि भाई आप शादी किससे करेंगे और आप अपने धर्म से अगर आप खुश नहीं तो आप दूसरे धर्म में आप बदलेंगे, तो वो स्टेट आपको बताएगा शादी किससे करनी हो, धर्म आप कौन सा अपनाना है। इससे ज्यादा किसी के प्राइवेट अफेयर्स में दखलंदाजी किसी स्टेट की नहीं हो सकती, और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूरी तरीके से या तो समाप्त हो गई या समाप्त होने के कगार पे।
लेकिन इसी साल दो चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जब सरकार के खिलाफ जो नागरिकता कानून था उस पर एक बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, और अब किसान पिछले एक महीने से लगातार आंदोलित है। तो जहां अथॉरिटेरियन ताकतें मजबूत हो रही हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, वहीं जमीन पर उतरकर आंदोलन भी हो रहे हैं। तो ये क्या संदेश देता है? देखिए, ये तो जाहिर है कि एक बहुत, आपने बहुत सही बात कही, दोनों बातें आपने सामने रखी और बिल्कुल सही रखी। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली चीज तो ये कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर हुई नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं एक नियोजित ढंग से कमजोर की गई है, व्यवस्थित रूप से कमजोर की गई है, और जिन्होंने कमजोर की है उनका एक डेफिनेट पॉलिटिकल एजेंडा है। उस एजेंडा के तहत एक अथॉरिटेरियन माइंड सेट, केवल अथॉरिटेरियन सिस्टम नहीं बल्कि अथॉरिटेरियन माइंड सेट क्रिएट करता, वो एक उनकी जरूरत है। आपने जो लव जिहाद वगैरह के उदाहरण दिए, देखिए निजी जीवन में हस्तक्षेप स्टेट के द्वारा ये कई बार जरूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहे कि साहब मैं छुआछूत में विश्वास करता हूँ और ये मेरा निजी मामला है, तो कोई डेमोक्रेटिक स्टेट इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, न करना चाहिए। कोई ये कहे कि साहब मैं अपार्टाइड में विश्वास करता हूँ और ये मेरा निजी मामला है, या सेक्सिस्ट हूँ और ये मेरा नो, इट इज नॉट योर निजी मैटर। इसलिए स्टेट का निजी मामलों में इंटरवेंशन तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होता है। सवाल ये है कि वो इंटरवेंशन किस हद तक होता है और किस तरह नेगोशिएट किया जाता है। और इस मामले में केवल लव जिहाद की बात नहीं है आशुतोष, इस सरकार का आप रवैया देखें तो बुनियादी तौर से ये रवैया कन्फ्रंटेशन का, जान बूझ करके समाज में एक तरह का तनाव पैदा किए रहने का, ये रवैया इस सरकार ने पिछले 6 साल में रखा। और जब से इनको पूर्ण बहुमत मिला है तब से तो आप हालत देख रहे हैं। अकाली जो इनके अलाइज थे वो इनको छोड़कर चले गए, इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि चले जाइए आप, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमारे पास अपनी कितनी 303 या क्या सीटें हैं, 303, तो हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। किसान कुछ भी कहते रहे, नागरिकता कानून पर कुछ भी होता रहे, ये जो स्थिति है ये असल में एक सोची समझी योजना के तहत है। जो रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छा है, और मैं ये मानता हूं कि किसानों का रेजिस्टेंस सबसे प्रामाणिक इसलिए है कि वो मांग पूरी तरह से एक बेसिक मुद्दे पर, और डेमोक्रेटिक किस्म की मांग, वो कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली मांग नहीं है, वो कोई दलित औरत वाली मांग नहीं है, वो एक यूनिवर्सल किस्म की मांग, जिससे इम्प्लीकेशन जिसका ये है कि हम और आप सब प्रभावित होंगे, केवल किसान ही नहीं प्रभावित होंगे, ये जो नए कानून है इनसे प्रभावित नगर का उपभोक्ता भी होगा, भले ही वो इस बात को समझ रहा हो या नहीं समझ रहा हो। तो ये अच्छे लक्षण है। एक बात जो मैं और कहना चाहता हूँ आशुतोष, जिस पर बात करना जरूरी है, दुनिया भर में इस तरह की स्थिति क्रिएट करने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका शर्मनाक है और चिंताजनक। अमेरिका में जो एक मुहावरा चलता है, लो इन्फॉर्मेशन वोटर, ऐसा वोटर जिसके पास ना तो सूचना है और ना जिसे सूचना प्राप्त करने की इच्छा है, जो केवल मतलब अपने पैशंस के आधार पर, भावनाओं के आधार पर। आप इस बात पर गौर करें कि पिछले 6 साल में जो रोल इस मुल्क में टेलीविजन चैनल्स ने प्ले किया, जिस तरह की उनकी प्राथमिकताएं रही है, जिस तरह की उनकी बातें रही है, एक दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या हो जाती है और उसको लेकर के जिस तरह का नैरेटिव आप क्रिएट करते हैं, जी कोई भी घटना हो जाती है तो उसके लिए आप जैसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, यानी मीडिया इस समय हिंदुस्तान में लार्जली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 90% हिस्सा सरकार का, बल्कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बन गया है। ये सब चीजें बहुत चिंताजनक है और ये ट्रेंड पिछले साल भर में बहुत उभर के आया। मैं इसी संदर्भ में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एक लंबी चौड़ी डिबेट है कि इतिहास की अपनी गति होती है या व्यक्ति उस गति को बदलता है। मेरा कहना यह कि जब समाज के अंदर किसी एक विचारधारा को स्वीकृति मिल जाती है और मीडिया उस समाज का एक हिस्सा है, तो सवाल यह कि मीडिया सरकार के दबाव में ऐसा कर रहा है, ये तो ऊपरी तौर पर हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन मीडिया या समाज का हिस्सा उस विचारधारा को अपना ले और उस पर कन्विंस्ड हो जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुरानी स्थितियां थी उससे लोगों के अंदर आक्रोश था, नाराजगी थी, इसलिए अब इस व्यवस्था को लोग एक्सेप्ट करने लगे, इसको इसमें बुराई नहीं समझ, जो चीजें पहले पहले पाप माना जाता था, जो गलत माना जाता था, अगर उसकी स्वीकारोक्ति समाज के अंदर हो जाए
तो इसके लिए हम एक पार्टी को क्यों जिम्मेदार ठहराएं कि हम ये क्यों ना कहें कि समाज के अंदर कुछ बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ हो रहा था जिसकी जिसका कोई विकल्प नहीं था, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लोगों ने ट्रंप को एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने भारत में एक व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब इस पर मेरे जवाब, आप कोई भी चीज, मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि कोई भी चीज केवल लोक स्वीकृति के कारण सही नहीं हो जाए। मैं किसी चीज के सही होने और किसी चीज के लोकप्रिय होने में बुनियादी फर्क करता हूँ। सही चीज भी लोकप्रिय हो सकती है और बहुत बुरी चीज भी लोकप्रिय हो सकती है। अभी भी इस मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो छुआछूत को सही मानते हैं, इससे छुआछूत सही नहीं हो जाती। सन 35 के हिंदुस्तान में तो शायद ज्यादातर लोग सही मानते रहे होंगे जब महात्मा गांधी पर पुणे में हमला किया गया था, क्योंकि वो हरिजनों, हरिजन कहते थे महात्मा गांधी, आज जिन्हें दलित कहा जाता उन समुदायों को, तो हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए महात्मा गांधी पर मंदिर प्रवेश आंदोलन चला रहे थे, इस अपराध में उन पर जानलेवा हमला पुणे में किया गया था, राइट। तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि महात्मा गांधी गलत थे और जो हमला कर रहे थे चूंकि उनकी तादाद बहुत थी तो वो सही थे। सत्य और बहुमत ये दो अलग अलग चीजें, इनका संबंध कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, सही बात है, व्यवस्था से असंतोष था और अगर बिल्कुल कॉन्क्रीट पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें तो जाहिर है कि कांग्रेस शासन से, कांग्रेस शासन की गड़बड़ियों से, तमाम सारी चीजों से असंतुष्ट थे लोग, करप्शन से लेकर कम्युनलिज्म तक के सवाल पर, और उस असंतोष का लाभ जाहिर है अपोजिशन के तौर पर बीजेपी ने उठाया, उन्हें उठाना भी चाहिए था, आम आदमी पार्टी ने उठाया और पार्टियों ने उठाया। सवाल ये पैदा होता है कि आपको जो अवसर मिला उसका आपने क्या किया, मेरा सवाल ये। और उस स्थिति में आप जिस तरह का नया कॉमन सेंस क्रिएट कर रहे हैं, देखिए आपने जो कहा ना कि व्यापक स्वीकृति समाज में हो गई है, व्यापक स्वीकृति आज तो सभा में से नहीं टपक पड़ी है, व्यापक स्वीकृति क्रिएट की जाती है, कंसेंट मैन्युफैक्चर की जाती है, एक खास तरह के विचार के प्रति कंसेंट मैन्युफैक्चर की जाती है, और वो मैन्युफैक्चर करने का जो काम होता है वो सभी अपने अपने ढंग से कर रहे होते हैं अपने विचारों के लिए, और इसलिए हमें विचार को इवेल्युएट करना चाहिए, इस बात को नहीं कि वो पॉपुलर है या अनपॉपुलर है, और ये बात हर जगह लागू होती है, सिर्फ इसलिए कि मिसाल के तौर पर वो सास बहू सीरियल बहुत पॉपुलर है टेलीविजन पर तो अच्छे सीरियल नहीं सिद्ध हो जाते। आपकी बात सही, दुनिया भर में पोर्नोग्राफी पिछले कई हजार सालों से पॉपुलर है, इससे पोर्नोग्राफी महान लिटरेचर से बेहतर नहीं हो जाती, तो ये कोई तर्क नहीं है। मेरा कहना ये है कि जिन चीजों को समाज ने स्वीकार कर लिया है ऐसा इस समय लगता है वो चिंताजनक है, और उस चिंताजनक स्थिति का निर्माण करने में जिन लोगों की भूमिका है उनसे मुझे सवाल करने हैं, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं, मैं उनसे सहमत होने का तो सवाल ही नहीं, चाहे वो राइट विंग पॉलिटिक्स हो और चाहे वो इस तरह का रिस्पॉन्सिबल मीडिया हो। मैं ये नहीं कहता मीडिया से कि आप डेमोक्रेटिक हो जाइए, सेकुलर हो जाइए, कम से कम प्रोफेशनल इंटेग्रिटी तो बना के रखिए, कम से कम जो एक कहते, अब मैं और आप बातचीत कर रहे हैं इस समय, ठीक है हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, आमने सामने नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप उछल के खड़े हो के मुझे चैलेंज कर रहे हैं और नाच रहे हैं अपने कमरे में, ऐसा तो नहीं है ना कि आप मुझसे कह रहे हैं जाओ अपना मुंह काला करो अगर हम लोग किसी बात पर असहमत हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास कोई गेस्ट बैठा हो और आप उसकी किसी बात से खुश हो जाए तो उसे गोद में उठा के नाचने लगे, या चूंकि कल नया साल शुरू हो रहा है तो नाच नाच करके गा गा करके नए साल की बधाई अपने दर्शकों को दे। सो यू हैव डेलिबरेटली क्रिएटेड अ तमाशा ऑन टेलीविजन। तो भाई साहब इसको ये कह के साहब लोग ये पसंद करते हैं, ये तर्क बहुत खतरनाक है। लोग क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अपनी जगह है, उस पर हम सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करते रह सकते हैं, लोग करते रहे, पॉपुलर टेस्ट पर ढेरों काम हुआ है, हजारों किताबें लिखी गई है। सवाल ये है कि परसुएट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये जो हिडन परसुएशन है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, इसके डायनेमिक्स को समझना होगा। और फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं कि पॉपुलरिटी किसी सही होने का प्रमाण नहीं। मैं इस मामले में मेरा अब एक आखिरी सवाल है, सवाल इस बात को लेकर ये कि जो आपने शुरुआत में कही थी कि आपने कहा था कि दुनिया 50 सालों के अंदर जैसी है वैसी नहीं रहेगी, अब तो 20 साल में ही नहीं रही, 20 साल में नहीं रही, तो आपको जो नया सिस्टम है वो उस जो नया तंत्र है, नई व्यवस्था है, उसके निकलने के
लक्षण आपको दिखाई पड़ते या नहीं दिखाई पड़ते, और अगर दिखाई पड़ते तो क्या ये मानेंगे कि लोकतंत्र फेल हो चुका है या एक्सेप्ट करेंगे, या इसी लोकतंत्र के अंदर कुछ नए तरीके का स्वरूप नजर आएगा? ठीक, अब मैं इसका जवाब दूं, इसके पहले चूंकि आप इसको अंतिम सवाल कह रहे हैं तो एक मेरा निवेदन है कि जब आप बाइंड अप करने लगे तो उसके पहले या उसके बाद एक मिनट मुझे दीजिएगा बाइंड अप के पहले। आशुतोष, ऐसा है कि लोकतंत्र में लाख बुराइयां हैं और इन बुराइयों की चर्चा पिछले कुछ नहीं तो कम से कम 400-500 साल से दुनिया के गंभीर विचारक करते रहे हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि लाख बुराइयों के बावजूद अब तक मानवीय कल्पना लोकतंत्र से बेहतर व्यवस्था नहीं खोज पाई, अब तक नहीं खोज पाई, आगे खोज ले तो भगवान जाने। लेकिन चाहे आप उसे पार्टी डेमोक्रेसी के रूप में देख लीजिए, चाहे आप उसे जो हमारे यहाँ होता है सिंगल वो क्या कहते हैं पास द पोस्ट वाला जो सिस्टम है उसमें देख लीजिए, चाहे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में देख लीजिए, किसी ना किसी रूप में लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है अब तक की सोची हुई व्यवस्थाओं में जो सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसमें कहीं कोई गुंजाइश है लोगों को अपनी बात कहने की। इसीलिए ये संयोग नहीं आशुतोष कि अभी कुछ दिन पहले योजना आयोग के मुख्य कार्यकारी जो भी कहलाते हैं वो ऑफिसर, उनको लगा था कि देयर इज टू मच डेमोक्रेसी इन इंडिया, और आज गुरचरण दास जी का बयान में पढ़ रहा था कि इस देश में रिफॉर्म हो ही नहीं सकती क्योंकि बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी पर संदेह जब ऐसे लोग करने लगे तो मुझे डेमोक्रेसी का वैल्यू और ज्यादा दिखने लगता है। जब वो कांत साहब जैसे और गुरचरण दास जैसे लोगों को डेमोक्रेसी से असुविधा होने लगे तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी वाकई बहुत काम की चीज है, जरूरी चीज है। तो डेमोक्रेसी से मेरा कोई मोहभंग नहीं हुआ है। जो रास्ता निकलेगा वो डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही निकलेगा। ये सही है कि उस प्रोसेस में स्वयं डेमोक्रेटिक सिस्टम की रूपरेखा बदल सकती है, कोई और बेहतर सिस्टम विकसित हो सकता है। ये मैं पॉजिटिव और आशावादी बात कर रहा हूँ, निराशावादी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि सचमुच कुछ नहीं पता कि क्या होगा। आई एम नॉट अनड्यूली ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंकली स्पीकिंग, इसी को लेकर मेरे मन में कोई बहुत आशाएं इस समय नहीं हिलोरे मार रही है। तो मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, दुनिया खत्म हो जाएगी वो तो भगवान के हाथ में है, वो तो मैं और आप नहीं, मैं सिस्टम के लेवल पे बात कर रहा हूँ। सिस्टम के लेवल पर जो है उसमें देखिए ऐसा है कि जिस तरह के सिस्टम की मैं कल्पना करता हूँ, मैंने आपको उसका इशारा किया कि जब तक एक रिन्यूड ग्रैंड नैरेटिव, एक इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक ग्रैंड नैरेटिव वापस नहीं आता तब तक कोई उम्मीद नहीं। एक ऐसा ग्रैंड नैरेटिव जिसमें हर रंग, हर कास्ट, हर जेंडर, हर तरह के उसकी गुंजाइश हो, लेकिन जो हो ग्रैंड नैरेटिव, जो केवल अपनी आइडेंटिटी की चिंता ना करे बल्कि एज ए होल सिस्टम की चिंता करे, जो केवल एक बने बनाए सिस्टम में अपनी आइडेंटिटी के लिए बेहतर रिप्रेजेंटेशन से खुश ना हो जाए बल्कि जो सिस्टमिक चेंज के प्रति मॉरली कमिटेड, मैं ऐसे ग्रैंड नैरेटिव की बात करता हूँ। और ऐसा ग्रैंड नैरेटिव विकसित करने में मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ योगदान कर सकूं, करूंगा और कर रहा हूँ। इसे कहते हैं निराशा का कर्तव्य। ये बिल्कुल परवर्टेड वर्चू जैसा है। सॉरी, आई एम सॉरी, आपने बहुत गलत बात कही। नॉट परवर्टेड वर्चू, दिस इज द वर्च्यू सर। यू सी, दिस इज द वर्च्यू। यू शुड बी क्लियर अबाउट योर मॉरल स्टांस, इस बात की परवाह किए बिना कि उसमें आपको तत्काल सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है, दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आशुतोष, बहुत मेरी कोई औकात नहीं, बहुत छोटा आदमी हूँ। महात्मा गांधी 1948 में पूरी तरह अकेले पर चले थे और इन्होंने स्वयं कहा था कि मैं अकेला हो गया, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी बात सबको अजीब लगती है। ये कहते समय उनके मन में अपने प्रिय साथी और शिष्य भी थे, सरदार भी थे और जवाहर भी थे, बट गांधी वाज नॉट रॉन्ग। और गांधी जी जो कुछ कर रहे थे वे जानते हुए कर रहे थे कि असर पड़े या ना पड़े मुझे करना है क्योंकि ये सही। तो एक रिन्यूड ग्रैंड नैरेटिव, एक रिन्यूड डेमोक्रेटिक ग्रैंड नैरेटिव, मुझे लगता है कि दुनिया के भविष्य को बचाने का उससे उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। उसके लिए मुझे काम करना है और आपको भी करना है, और आप कर ही रहे हैं, भले ही आप उसे कुछ भी कहते रहे, हम सब उसी तरफ काम कर। ठीक है, बातचीत यहीं पे खत्म कर की जाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे अंत में या आपने अपनी बात कर ली? सचमुच आपसे
और आप जैसे और जो लोग हैं जर्नलिस्ट जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं उनसे बात करके अच्छा लगता है और उम्मीद बनती है। क्योंकि अभी अभी मैं ट्वीट देख रहा था ट्विटर पर, मेरी बेटी ने एक रीट्वीट किया है, मैंने पढ़ के माथा पीट लिया। शायद मैं तो टेलीविजन देखता नहीं हूँ, आप जानते हैं। कल शायद किसी चैनल पर एक सज्जन को एंकर महोदय ने इसलिए डांट दिया कि रविंद्रनाथ ठाकुर कह रहे थे। उन्होंने कहा आप बड़े भारी इंटेलेक्चुअल बनते हैं, आपको ये तक नहीं मालूम कि उनका नाम ठाकुर नहीं टैगोर। तो ऐसे एंकर, और इससे मुझे घटना याद आई, ये देवी जी एक बार मेरा इंटरव्यू करने आई थी, किसी चैनल से नाम लेने से क्या फायदा। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि टोडरमल दिल्ली के बड़े कांग्रेसी नेता थे, इसीलिए उनके नाम पर दिल्ली में एक सड़क बनी। अब बातचीत को यही खत्म कर देना चाहिए मुझे लगता है। आपकी सत्य हिंदी की और ऐसे तमाम प्रयासों की सराहना के साथ और आप लोगों के प्रति एक तरह के आभार के साथ मैं बात खत्म करना चाहता हूं, जो इस साल की संभवतः आखिरी बातचीत है। और सारी निराशा के बावजूद मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि अगला साल बेहतर हो, उस ग्रैंड नैरेटिव की दिशा में एक कदम बढ़ाने वाला हूं। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया आपका। निराशा का कर्तव्य ये याद रखें, मुझे लगता है। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।